जय कुमार बंसल, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का मैं प्रेसिडेंट हूँ और 127 वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मेरा स्टेनलेस स्टील का व्यापार है। देश के लिए कुछ करना चाहता था या कुछ ऐसे एम एंड ऑब्जेक्ट थे मेरे, मुझे देश में निर्माण में या सबको शिक्षा सबको काम में चाहता था भी मैं एक पूरे देश में एक आंदोलन करूं और जागरूक करूं, सब शिक्षित हों, मॉडर्न एजुकेशन हो। पहाड़ भी आएंगे, रकावट भी आएंगी नदी के रास्ते में, मैं अपने आप को मतलब एक नदी की तरह बहता हुआ चलता हूँ, पहले रुकावट आती है उसको भी पार करता हूँ। मेरा जन्म, मेरा गांव चिड़ाना गांव है, घोड़ा डिस्ट्रिक्ट, घोड़ा तहसील और डिस्ट्रिक्ट आज सोनीपत है वो। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दिल्ली से मेरा गांव पड़ता है, जहाँ पर मेरा एक अति साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ, जो छोटा मोटा व्यवसाय करते थे हमारे पिताजी, और जिसमें मेन लोगों का आटा पीसना, चक्की से किसी का चावल निकालना, किसी के तेल निकाल के देना, यहाँ तक कि किसी को चारा भी कटवाना होता तो हमारे यहाँ आना पड़ता था। उसके बाद हमारा एक खांडसरी प्लांट था जिसमें गुड़ और खांड बनता था, और मेरी शिक्षा दीक्षा गांव में, हमारा मिडिल स्कूल था, 8 तक का स्कूल था चिड़ाना के अंदर ही, वहाँ तक मैंने 8 तक की 8th क्लास मैंने वहाँ से पास की। मेरी पूरी पृष्ठभूमि जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वहाँ 8th क्लास तक मैं वहाँ से ग्रेजुएशन 8वीं पास करने के बाद, गोहाना लगभग 13 किलोमीटर पड़ता है मेरे से, हरियाणा पब्लिक हाई स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिक पास की 1977 के अंदर। उसके बाद 11th क्लास में रोहतक के अंदर मैंने नेकी राम कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 11th क्लास में मैंने वहाँ से की। तो 12th क्लास में, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक विंग से जुड़ा 11th क्लास में ही, तो 11th पास करने के बाद मैंने वहाँ पर काफ़ी कोशिश की, तो पारिवारिक कुछ स्थितियाँ ऐसे थी, मैंने उसके बाद मैंने मिलिट्री में जाने का भी प्रयास किया। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल बंसल, जो वहीं चिड़ाना गांव में थे, मेरी माताजी फूलपति देवी, जो मेरे नाना जी उड़ीसा रहते थे, वहाँ से बिलोंग करती थी, मगर वो पहले तो आसपास के किसी गांव में थे, और हमारे मामा, हमारी मदर के एक सिस्टर थी छोटी और दो ही बहनें थी वो, तो हमारी मदर, हम 6 भाई और 3 बहनें हैं, जिसमें एक बड़े भाई का स्वर्गवास हो चुका है, सबसे बड़े का, उसका परिवार भी दिल्ली में सेटल है। और हमारा व्यवसाय जो हमारे पिताजी जो करते थे, लगभग एक तो 3 गाँव का हमारे पास राशन का डिपो था, दूसरा हमारा खांडसरी प्लांट था, मैं बता चुका हूँ आपको, 6 खांड और गुड़ का व्यवसाय था, गेहूँ का व्यवसाय था, चीनी राशन में आती थी उसको बांटते थे, तो मैंने उनको बहुत ही संघर्ष करते हुए देखा, पापा परिवार को, सभी सब कुछ उन्होंने पूरी लाइफ में, मैं उनको देखता था, बीमार भी वो बहुत रहते थे इस वजह से, क्योंकि धूल मिट्टी में रहना, गाँव के वातावरण में रहना, तो वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि आप दमे से बच जाओगे या आपको स्टोन नहीं होगा या उन चीज़ों का, तो उनको 77 में पहले ऑपरेशन हुआ दिल्ली के अंदर उनका, स्टोन्स का, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, फिर 81 में फिर ऑपरेशन हुआ हमारे इधर। इस दौरान मेरी नानी जी की भी डेथ हो गई थी, मेरी मदर उड़ीसा से ली गई थी, और 82 में जब थोड़ा मेरी भी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, तो 82 में लगभग मेरे को जो जहाँ तक याद है, तो मुझे लगा भी अब मुझे पहली बार मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपने पिताजी को कहा, भी मैं उनके संघर्ष को देख रहा था, वो मुझे शिक्षा यही देते थे, तुझे सीधे रास्ते पर चलना और सही करना जो तुझे सही लगे, और कोई सम्मान दे या ना दे तो भगवान अपने आप आपको सम्मान देगा।
मेरा प्रेरणा स्रोत दरअसल मैं जब कॉलेज में गया था, जब तक तो मैं एक कच्चा घड़ा था, मुझे नहीं पता था क्या होता है, क्योंकि टीचर मेरे दोस्त होते थे स्कूल में, डिबेट्स में मैं स्कूल में भी हिस्सा लेता था, ऐसा नहीं था मुझे बोलने की एक ये थी भी आप कुछ बोलोगे, आपको बोलना है बोलना है, तो मुझे बोलने की के लिए एक शिक्षित किया जाता था, मैं लिखता भी था। तो प्रेरणा स्रोत तो जब मैं बहुत सारे स्टडी सर्कल लगते थे हमारे, कभी सुरजीत जी लेते थे, कभी कोई लेता था, सीताराम वेचुरी भी के भी संपर्क में आया, एम ए बेबी के भी संपर्क में आया, नेपाल देव भट्टाचार्य के संपर्क में भी आया, सीताराम सैफुद्दीन चौधरी भी तो MP बन गए थे, उनके भी संपर्क में रहा मैं, उधर इंद्रजीत थे मेरे दोस्त थे हरियाणा के अंदर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, बलबीर दहिया थे मेरे मित्र, पर्सनल मित्र, बहुत सारे दोस्त थे, मगर जो लेक्चरर थे वो भी हमारे को दोस्त की तरह ट्रीट करते थे, वो कहते थे यार यहाँ कॉलेज में हम प्रोफेसर और लेक्चरर हैं, हम कॉलेज से बाहर जब हम इकट्ठे बैठते थे मंडली अंबाड़ी बैठते थे, हम एक हमारा दोस्ताना व्यवहार होता था। धर्म को मानने अच्छी बात है, अंदर से धार्मिक हो, दूसरे को कोई पीड़ा ना पहुंचाए, ये मेरी एक सोच थी, मैं धर्म उस चीज़ को मानता हूँ, आप किसी भी कम मन कर्म वचन से मोल तोल बोल से आप किसी को दुख ना पहुँचाएँ, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुँचाएँ, मैं उसको धर्म मानता हूँ, इंसानियत से देश चले। जिंदगी पहाड़ से निकलती है नदी, सब रास्ते काट पीट के सुबह से शाम होती है, यही जिंदगी तमाम होती है, समुंदर में मिलनी है तो चलेगी ऐसे, पहाड़ भी आएंगे रकावट भी आएंगी नदी के रास्ते में, मैं अपने आप को मतलब एक नदी की तरह बहता हुआ चलता हूँ, फिर रुकावट आती है उसको भी पार करता हूँ। घूमना एक्चुअल क्या ना, मेरा रोल इतना टाइट रहा है जीवन में, क्योंकि एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, ऐसा नहीं है हर आदमी चाहता है यार मैं पूरे वर्ल्ड घूमूं, पूरा एंजॉय करूं, बहुत सारे देशों में गया भी हूं, चाइना भी काफ़ी बार गया हूं, हांगकांग भी गया हूं, यूरोप भी घूमा हूं, अमेरिका भी घूमा हूं, अफ्रीकन महाद्वीप में भी मैंने लागोस वगैरह चाइना नाइजीरिया भी गया हूं। हॉबीज़ तो गांव में क्या हॉबीज़ हो सकती है, बैडमिंटन खेल लेते थे, कुश्ती खेल लेते थे, स्विमिंग मुझे पता ही नहीं, मैं 2 साल का सीखा हूँ, 3 साल का सीखा हूँ, बचपन से स्कूल के पास ही नहर थी गांव में, 100 मीटर पे, 50 मीटर पे स्कूल था, 50 मीटर पे नहर थी, वहीं नहा के नहर पे तैर के आके स्कूल में खेल कूद गया, मुझे पता ही नहीं 5 साल की उम्र से तैर रहा हूँ या 4 साल की उम्र से तैर रहा हूँ, बचपन से मुझे तैरना आता है, मुझे नहीं याद है, मैं मुझे तो ऐसा लगता है मैं पैदा ही तैरता हुआ हूँ, मतलब मुझे सब चीज़ स्विमिंग करना, नहाना, बैडमिंटन खेलना, मेरी दिनचर्या है, जो गांव में सुबह उठ के जाना, स्कूल जाना, आगे खेलना, ताश खेल लेना एक घंटा आधा घंटा, उसके बाद दोस्तों के साथ गपशप मार लेना, फिर घूमने चले जाना खेतों में, तो आज भी मैं उन चीज़ों को मतलब आई थिंक मुझे दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं थी, आज भी मैं उसको मिस करता हूँ, वो गांव मेरा खेत आज में उस चीज़ों को घूमना फिरना, अरे क्या कैसी आसान लाइफ थी, कितनी आसान लाइफ थी, और इस शहर के अंदर कितनी हार्ड लाइफ है, यहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, वहाँ कुछ ना होते हुए सब कुछ है। मोटिवेट मैं ज़्यादातर, मोटिवेशन तो मेरा हो चुका है, मैंने सभी महापुरुषों की बुक्स पढ़ी हैं, सभी धर्मों की किताबें पढ़ी हुई हैं, और एक लगभग क्या होता है ना 75% हिस्सा अपने जीवन का मैं पूरा कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ भाई आगे जितना चलाऊँ, जो भी कठिनाइयाँ रास्ते में आई, बाधाएँ आई, सबको पार करते हुए मैं आगे बढ़ाऊँ, आज मैं अपने आप को
खुश नसीब समझता हूँ। मेरे पास अच्छा परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते पोतियाँ हैं। आज मुझे जब मैं दिल्ली आया था, मैं कुछ दिन के लिए ऐसा महसूस होता था यार कहाँ आ गया मैं, इस अनजान शहर में क्या है। आज मैं समझता हूँ भी मैं, मेरा आज मुझे ऐसा लगता है मेरे जो पोते पोतियाँ यही मेरा जीवन है, और मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ बेटर। मैं बिजनेस भी करता हूँ, और जहाँ तक समाज की मोटिवेशन की बात है, सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हूँ मैं तो मैडम किरण बेदी से ज़्यादा प्रभावित हूँ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब आदमी के लिए या ऐसे आदमियों के लिए, असमर्थ आदमियों के लिए, या जब महसूस, मैंने इनके सब कुछ देखा हुआ, मैंने उस गरीबी को भी झेला, पूरी को जिया है, क्योंकि महसूस नहीं हुआ मुझे उस अभावग्रस्त गांव की दुनिया को कि अभाव, क्योंकि मुझे सब एक से थे, इसलिए महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि सब एक से थे। दिल्ली में आके जो मुझे महसूस हुआ कि गरीबी क्या होती है, मेरी क्या होती है। समाज के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो, सबको, जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से पहले जो सुविधाएं एक लेडीज़ को मिलनी चाहिए वो पूरी सुविधाएं मिले, उसका अच्छे से पोषण मिले, उसके बाद उसको पूरा जो भी स्वास्थ्य के प्रति उसके जीवन में जो ज़रूरतें हैं बचपन की, उसको पूरी टीकाकरण है या कोई भी है वो मिले, सभी को मिले ए टू जेड जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसके बाद उसकी सही शिक्षा हो, शिक्षा वो मॉडर्न एजुकेशन हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो जिसमें सबके प्रति प्यार, और प्रैक्टिकल एजुकेशन हो। प्रैक्टिकल एजुकेशन का मतलब जीवन में जीवन जीने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है। विजन, समाज के प्रति जो भी मेरी ड्यूटीज हैं, जो मैं कर सकता हूँ, जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, आधुनिक हॉस्पिटल में आधुनिक कोई स्कूल बनता हो, आधुनिक कोई धर्मशाला बनती हो, आम आदमी की ज़रूरत के लिए जो भी कार्य है जिसमें जो मैं योगदान दे सकता हूँ, जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मैं करता रहूँगा। साथ में अपने परिवार का पूरा पालन पोषण प्रॉपर तरीके से, सही एजुकेशन, सभी शिक्षा मैं उनको भी देता रहूँगा। परिवार की भी जिम्मेदारी करूँगा, समाज की भी करूँगा। मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बहुत बड़ी मेरी कोई एम्बियंस नहीं है आज भी, मैं आज कोई मंत्री बन जाऊँ, MLA बन जाऊँ, विधायक बन जाऊँ, बनूँगा तो मेरे से जो होगा मैं करूँगा। मेरी जो भी जिम्मेदारी मुझे ऊपर वाला ने लिखी हुई है मुझे मिलेंगी, उसमें तहे दिल से, तन मन धन से, सबका मान सम्मान करते हुए, सबकी डिग्निटी की वो रखते हुए मैं उनके लिए करूँगा। बचपन में मेरे फादर मदर का मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, दूसरा उनको विश्वास बहुत था मुझ पर। जब मैं दिल्ली आया तो मेरे पास कुछ था नहीं, उनको ये पता था ये हमें अधर में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको बहुत ही हार्ड तरीके से काम करते हुए, हमारे को पालन पोषण करते हुए देखा, और मेरी बड़े वाली सिस्टर जो थी उसका भी बहुत ज़्यादा मेरे पालन पोषण में योगदान रहा।
क्योंकि पिताजी बीमार रहते थे, मदर कभी उड़ीसा चली जाती थी, नाना नानी वहाँ रहते थे। तो उसका सबसे बड़ी सिस्टर गांव में रहती थी, अभावग्रस्त थी वैसे, मगर जितना वो सक्षम जितनी भी जिस पोजीशन में थी वो मेरी मदद करती थी या मेरे को, मैंने बचपन से या 2 साल से 3 साल से थोड़ा याद आता है कि वो मेरे को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, स्कूल भेजती थी। ऑल शुड डू बेस्ट ऑल द टाइम ऑल द वे ऑल द मीन ऑल द टाइम ऑल द प्लेस फॉर देयर फैमिली फॉर द सोशल फॉर पॉलिटिकल ऑल द प्लेस ऑल द मीन देर शुड डू बेस्ट फॉर देयर फैमिलीज एंड अदर्स।